लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक तो हो गया, पर वाराणसी लोकसभा में उलटफेर का सिलसिला जारी है। सुश्री मायावती की पार्टी बसपा में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जहां कल तक बसपा से वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अतहल जमाल लारी थे, तो वहीं रातों रात बसपा ने अपना उम्मीदवार ही बदल दिया और लारी जी की जगह बसपा वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी हो गए सैयद नियाज अली उर्फ मंजू भाई। मीडिया से बात करते हुए सैयद नियाज अली ने कहा कि मेरी लड़ाई सिर्फ मोदी से है और किसी से नहीं। पहले चरण का मतदान जो है तो शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव में हो गया, पर बनारस में लोकसभा चुनाव में उलटफेर जो है देखने को मिलता ही जा रहा है। जहां एक तरफ कल तक बसपा से वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अतहल जमाल लारी थे, तो वहीं रातों रात फिर से बसपा में एक बड़ा उलटफेर हुआ और अतहल जमाल लारी का टिकट कट के अब मंजू भाई जो है बसपा से वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी, और अभी हम मौजूद है पराड़कर भवन में जहां पर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और आगे हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब उनके मुद्दे बसपा से बनारस में क्या रहे। क्या कहना चाहेंगे, आपके चुनाव का ऐलान हो चुका है। कहना हमको ये है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो सभी जाति धर्म के सभी मजहब को मानने वाले लोगों को साथ ले करके हम चलने का काम करेंगे। अब बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही मेहनत, बहुत ही लगन के साथ इस चुनाव को हम लड़ने का काम करेंगे और चुनाव को जीतने का काम करेंगे बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले। प्रधानमंत्री ने सारे काम तो कर दिए, कौन सा ऐसा काम बाकी है, क्यों चुनाव में क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री ने अगर जो काम किया है उस काम के बारे में आप ही खुद बता दीजिए, तो हो सकता है मुझे कोई नई जानकारी हासिल हो जाए। आपका क्या मुद्दा होगा, क्या लेकर जाएंगे जनता के? हम जनता के लिए के बीच में जाएंगे। बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, हमारा स्वास्थ्य मुद्दा है, हमारा जो है शिक्षा मुद्दा है, ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम जो है समाज के अंदर जाएंगे और समाज के लिए अपनी बात को बताने का काम करेंगे कि विगत 10 वर्षों के बीच में जो जनता ने महंगाई झेली है, जो जनता बेरोजगार हुई है, जो जनता कोरोना के अंदर जो है पेंडेमिक में मरी है जनता, उसका हिसाब जनता को जो है नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। मेरी सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से है, बीच में मेरी कोई लड़ाई किसी से नहीं। अब मैं फिर कह रहा हूँ इस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मेहनत से और दमदारी से ये चुनाव लड़ करके जीतेगी जो इतिहास रचा जाए। लेकिन माननीय न्यायालय में ये मुद्दा चल रहा है और इसमें किसी भी तरह की बातें हमको खुद कहना ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है और ये कंटेम ऑफ कोर्ट का मामला हो जाएगा और किसी भी तरह की इस तरह का जो है डिस्प्यूटेड बयान देना मेरे लिए उचित नहीं। पिछले बीजेपी सरकार ने लगातार धर्म के मुद्दे पे ज्यादा काम किया है, देखा जाए तो आपका क्या मुद्दा सबसे ज्यादा रहेगा कि हमें सत्ता में आने वाले काम कर सकते? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा सर्वधर्म सहाय सर्वधर्म सुखाय, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का साथ दें, सभी त्योहारों को खुशी खुशी मनाने का काम करें, हमारा मुद्दा ये रहे। प्रत्याशी का चयन हुआ था, आज दूसरे प्रत्याशी का चयन हुआ, क्या करना चाहेंगे? पार्टी का अंदरूनी मामला है, जो पार्टी के लिए बेहतर होगा उसे ही प्रत्याशी बनाया जाए। और भी तो कोई कारण हो सकता है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं। लाली साहब का जो है वहाँ जाना, क्या ये भी बहन मायावती को जो है, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। अब बहन कुमारी मायावती जी ने ही श्री सैयद नियाज अली उर्फ मंजू को वाराणसी का अपना उम्मीदवार बनाया है, बहुजन समाज पार्टी की यही प्रभारी प्रत्याशी। नए प्रत्याशी हमारे बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, समाज सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और हमेशा इन्होंने गरीबों के लिए काम किया, बुनकरों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है, तो इसलिए ये चुनाव जीते। क्या इसे अगर कोई अच्छा प्रत्याशी आएगा उसको भी सेलेक्ट किया जाएगा? अब मुझे तो नहीं लगता इससे अच्छा कोई प्रत्याशी हो सकता है।
जिस तरीके से लारी जी को टिकट कैंसिल कर दिया गया, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति के नेता जी ने कहा है कि मोदी जी और मायावती जी एक सिक्के के दो पहलू, एक को जो है कि चुनाव हार के बाद जेल का डर सताता है, तो दूसरे को राजनीति खुल के राजनीति करने का डर सताता है जेल का। ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी और हमारा एक आंदोलन है, हमारा एक मिशन है और बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारों पर काम किया है। हर वर्ग हर जाति धर्म के मानने वाले लोगों को साथ लेकर काम किया है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तरीके से सांप्रदायिकता की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो गाय गोबर की बात करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी तुच्छ राजनीति नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है और बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा पर कायम है। विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं कि मायावती जी गठबंधन नहीं करी क्योंकि बैक साइड से कहीं न कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती है। आज देखो गठबंधन कहाँ दिख रहा, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, कोई गठबंधन नहीं दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी के नेता शुरू से ही हमेशा जब गठबंधन की गुगाहट थी तभी से उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा किया और आज उसी पर कायम है और आज बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। और जो गठबंधन की बात करते थे वो गठबंधन तोड़ तोड़ के अलग अलग हो गए। गठबंधन इकट्ठा करने वाला सबसे ज्यादा श्री नीतीश कुमार थे, लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी सबसे पहले गठबंधन छोड़ के भागने वाले थे और गठबंधन के साथ के जो लोग थे वो खुद अलग अलग हो गए हैं। और बहुजन समाज पार्टी जिस मुद्दे पर बात किया था जिस उसी पर कायम। प्लीज फॉलो अस ऑन आवर सोशल पेजेस एंड स्टे अपडेटेड विद योर डेली न्यूज।